तमाम घोटाले और एक के बाद एक उनका कहना है आपकी पार्टी में शामिल होना और चुनाव के इतने करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शक पैदा कर रही है बच्चे के मन में। अंजना जी गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई? अंजना जी जेल में तो कोर्ट रखती है ना। कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट सुना कि ये चुनाव के करीब है नहीं है और उसके बावजूद रखा। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्टेड 2013 में हुए। अब देखिए इन्होंने मां से मछली, मां से मांस, मां से मटन सब बोल दिया। मां से मैनिफेस्टो पे जो मैंने सवाल पूछा कि 1,00,000 रुपए प्रति महिला को देने वाले हैं तो इसका खर्च कितना होगा, ये एक इकोनॉमिक्स भी रही है, इकोनॉमिक्स भी रही है, ये पत्रकार थी बड़ी फाइनेंशियल पत्रकार थी, तो मैंने इनसे पूछा इसका खर्चा क्या होगा। एम से मौन रह गई, मोदी को बोलने लगी। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि सुप्रिया जी अपने पोस्ट पे कुछ जवाब दीजिए, अपने पोस्ट पे एक जवाब नहीं दिया, अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का पता नहीं है परंतु देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करिए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछा जाता हूँ, दो स्पेसिफिक सवाल पूछा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने किस प्रकार से रोजगार दिया, आप गिनिए और फिर इनके बारे में इनसे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें शहजाद पूनावाला और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में एक तगड़ी लड़ाई चल रही है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत और शहजाद पूनावाला दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने में बिल्कुल नहीं चूकते और जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को खा जाने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। आज इसी डिबेट में शहजाद पूनावाला ने जब सुप्रिया श्रीनेत को कड़े जवाब दिए तो सुप्रिया श्रीनेत बौखला गई और फिर वही उल्टी सीधी बातें करने लगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के ऊपर एक बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी, उसी को लेकर शहजाद पूनावाला सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर भड़क गए। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी मजी मजेदार फनी और अच्छी होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। शहजाद पूनावाला जी, ये पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि आपने तमाम एजेंसीज को अपने अधीन कर लिया है, वो विपक्षी नेताओं को जेल में भर रहे हैं और ये आपका तरीका है, मोडस है चुनाव को जीतने का, आपका जवाब? देखिए इनका नारा बन चुका है करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना शिष्टाचार, कार्रवाई कोर्ट की हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम उठकार। बताइए कि जो इनके साथ आज है लालू प्रसाद यादव, 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा और पहली बार कन्विक्शन हुई 2013 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्टेड 1990 में, डीएमके के मंत्री पहली बार जेल गए यूपीए के कालखंड में, एसपी पर पहली बार केस हुआ यूपीए के कालखंड में और आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले में लिप्त है जिसको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है उनके बारे में तो स्वयं इस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा के पीछे मत छुपिए, शराब का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो आज वो इस प्रकार से अपने काम को नहीं गिना पाते, क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारे पास मिशन और विजन है। मिशन और विजन इस प्रकार का कि फ्रेजाइल 5 की इकॉनमी थी, फास्टेस्ट 5 में पहुंची, 10वें स्थान पर थी, 30वें स्थान पर पहुंच रही है। आज जिस प्रकार से पर कैपिटल इनकम दुगनी हो रही है, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, 12 करोड़ नल से जल बने, 12 करोड़ शौचालय बने, तो ये सब काम हो रहा है, इनके पास मिशन विशन नहीं है। तो अपना अपना कमीशन, करप्शन, अपना एंबिशन और अपने अपने फ्रस्ट्रेशन को जारी करने के लिए बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं अंजना जी, 10 साल बाद सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए, क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कहां इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी, उस समय माइक मेरे पास नहीं था, लेकिन जो भी राहत मिलनी है वो कोर्ट से मिलनी है, ना आप जज हो सकती है, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल यह है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही, आखिर इन दो मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है कि जेल में है। संजय सिंह को भी कोर्ट राहत नहीं दे रही, आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है, 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत, उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत यह है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे, वही काम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। देखिए सबसे पहले आपके गले लग जाते हैं, वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबी घाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है, उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है, उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी, उस टीएमसी से समझौता कर लेते हैं जिसके लिए अभी भी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और उस केरल की लेफ्ट पार्टी को ले लेते हैं जिसके लिए कहते हैं कि ये फैसिस्ट है, डिक्टेटर है। और अंजना जी ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा अपनी बात रख रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए मैंने तो लगातार बात की मुद्दों की, मैंने बताया 25 करोड़ लोग गरीबी से कैसे निकले, मैंने बताया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, परंतु ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछा जाता हूँ, इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरा साथी ने किया, आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तक पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो
देंगे। प्रियंका वाड्रा का ये वादा था, तुरंत सुक्कू जी ने कहा नहीं दे सकते। महंगाई की बात की, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था 2010 से लेकर 14 तक, आज 5.5% है, पर इन्होंने 6 रुपए डीजल के हिमाचल में बढ़ा दिए। इन्होंने वादा किया था कर्नाटका में कि हम लोग 300 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। इसलिए मैं पूछता हूं कि अपने वादे, और एक लास्ट बात, इन्होंने अभी एक मैनिफेस्टो जारी किया है अंजना जी, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 1 लाख रुपया प्रति महिला को देंगे। फिर जब प्रवीण चक्रवर्ती जो इनके मैनिफेस्टो बनाने में शामिल थे उनसे पूछा गया कि इसका खर्चा क्या आएगा, तो उन्होंने बोला 5 लाख करोड़ 5 साल का, मतलब 1 लाख करोड़ 1 साल का। मतलब कि इस वादे के अंदर केवल 1 करोड़ गरीब महिलाएं, मतलब ये मानती है कि गरीबी रेखा इतनी कम हो चुकी है और गरीब लोग इतने कम हो चुके हैं कि केवल 1 करोड़ लोग हैं, वरना इसका खर्चा बताए कि 1 लाख रुपए प्रति महिला कितनी महिलाओं को देने वाले। ये वही वादा है, 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे हिमाचल में, एक को भी नहीं मिला है। तो इसीलिए इनके वादे कैसे हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी कभी हटाई नहीं। जनता के सवाल हो, जनता के मुद्दे हो, तो आशा चलता रहता है। कई लोग बारिश में भीग के भी डटे हुए हैं। एक बार आप लोगों के लिए जबरदस्त तालियां। देखिए आप ही को तय करना है कि अगले 5 साल किसका मुकद्दर इस देश में चलेगा। जो लोग पेड़ की ओट में है वहां भी एक बार दिखा दीजिए, हर तरफ से लोग डटे हुए हैं, कुछ उधर पेड़ के नीचे है, कुछ यहाँ है, सवाल को हर जगह से लेंगे। सुप्रिया जी, चूंकि पर्सनली आप पर सवाल उन्होंने उस इंस्टा पोस्ट को लेकर पूछा, एक जवाब के नाम संदेश उस प्रवक्ता ने दिया, किसके मुद्दे की बात करी, मेरे अकाउंट से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे हमें बताइए भाषा मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषा मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री को लालच लगाया, अपनी भाषा मर्यादा कहां है, इन्होंने मुझे टीवी डिबेट का ब्लडी फूल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया, तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है। जवाब दे रही है, जवाब दीजिए, जवाब होगा, इन्होंने भाषा मर्यादा की बात की, बताइए किसने क्या किया, किसने क्या पोस्ट। अब जवाब सुनिए, बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई, इनका चरित्र यही है कि ये जो जवाब दीजिए चरित्र पता चाहिए, प्लीज शेजा जी अपने सवाल पूछा ना, और हेल्थ शेम नहीं करता, इन्होंने मुझे हेल्थ शेम किया, क्या बीपी ऊंचा होना गलत है क्या, कई लोगों का बीपी हाई है तो क्या हुआ उसमें, पर बीपी पे जवाब टारगेट करना। और इसी तरह से कंगना रनौत को क्या बोला उन्होंने, उन्होंने क्या बोला, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता, क्या बोला रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को, जवाब सुनिए, ये शो ऐसे और भाई का थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुनिए, ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है, बोलिए, अगर ये शो ऐसे होगा तो मैं एंकर को भी धमकाएंगे, बताइए एंकर को भी धमकाएंगे, बस बीच में 4:30 मिनट शहजादी प्लीज, शहजादी सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है, और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं, बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं, यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है, 2014 का नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट है, 3 अप्रैल 2014 का यह ट्वीट है, और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया, 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे, मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ, मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको म से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, म से मणिपुर, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है, ये असलियत है, ये चल चरित्र चेहरा इस देश के प्रधानमंत्री का, ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद आप लोग सवाल कौन पूछेंगे, अंजना जी मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वही भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है, किसने दबोचा हुआ है, ओपोजिशन ने जो आजकल ईडी वगैरह के सीबीआई के उनके ऊपर रेड पड़ रही है, आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं, नहीं देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना, प्रोसेस है, आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये परसेप्शन है और आपको इससे फिरना होगा, मेरा मौका देखिए, आप कहते नहीं, अंजना जी बच्चे भी आप दोनों वेट कीजिए, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से, आपके आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ रोहित अभी ना रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं तो क्या कमी आप में, पिछड़े सभी बारी बारी यही कह रहे हो ना, हाँ यही कह रहे हैं, बारिश में भीग के भी कह रहा है कि क्या हो गया गौरव वल्लभ, मेरा सवाल बीजेपी से है कि माना कि किसी सीएम ने कितना घोटाला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी, पर इस समय इलेक्शन के इतने पास उनका गिरफ्तार होना कुछ अटपटा नहीं लगता, ठीक है, 3 सवाल है, मैं सबसे लूंगी, और कौन पूछेगा, सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपके बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल, सुगर मिल घोटाला हसन मुशरीफ, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है, तमाम घोटाले और एक के बाद एक, उनका कहना है आपकी पार्टी में शामिल होना और चुनाव के इतने करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शक पैदा कर रही है बच्चे के मन में, अंजना जी गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई, अंजना जी जेल में तो कोर्ट रखती है ना, कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट सुना कि ये चुनाव के करीब है नहीं है और उसके बावजूद रखा, और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्टेड 2013 में हुए, अब देखिए इन्होंने म से मछली, म से मांस, म से मटन सब बोल दिया, म से मैनिफेस्टो पे जो मैंने सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने वाले हैं तो इसका खर्च कितना होगा, ये एक इकोनॉमिक्स भी रही है, इकोनॉमिक्स भी रही है, ये पत्रकार थी बड़ी फाइनेंशियल पत्रकार थी, तो मैंने इनसे पूछा इसका खर्चा क्या होगा, एम से मौन रह गई, मोदी को बोलने लगी, उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि सुप्रिया जी अपने पोस्ट पे कुछ जवाब दीजिए, अपने पोस्ट पे एक जवाब
जवाब नहीं दिया। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का पता नहीं है, परंतु देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करिए। मैं इससे इतना पूछा जाता हूँ, दो स्पेसिफिक सवाल पूछा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने किस प्रकार से रोजगार दिया, आप गिनिए और फिर इनके बारे में इनसे सवाल पूछिए। 10 सेकंड भाई, ईपीएफओ का डेटा 11 करोड़ पे था, आज 27 करोड़ पे है, मतलब कि 16 करोड़ जॉब्स जोड़े गए हैं। उसमें से 70-80% ऐसे जॉब्स हैं जो 18-25 के एज ग्रुप पे जोड़े गए। दूसरी बात, मुद्रा लोन 44 करोड़ दिए गए हैं, 1/3 भी पकड़े तो सोचे कितने जॉब्स हुए। 11 किलोमीटर के रेट पे रस्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर बनते हैं, वो किसने भारतीयों ने बनाए। 5 मेट्रो से 20 मेट्रो, 70 एयरपोर्ट बने, ये सब रोजगार सृजन हुआ है। अब इन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स बोला था हिमाचल में, कितनी जॉब्स दी, 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिए और 6 रुपए डीजल का क्यों बढ़ाया? इन बातों का स्पेसिफिक जवाब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा हूं, मैं सनातन समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। जवाब नहीं है।